का अपराध कारित करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 4 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में महिलाओं के सशक्तिकरण तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान पर प्रादेशिक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, सरकार महिला सशक्तिकरण को दे रही है बढ़ावा, सदन में दिया गया है 33% आरक्षण। सपा व कांग्रेस के यूपी में गठबंधन पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2017 में भी हुआ था गठबंधन, हो गए थे हाफ, इस बार पूरी तरह से हो जाएंगे साफ। कोतवाली थाना अध्यक्ष चितवन कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कुल आए 3 मामले, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रामलीला मैदान बटघाट पर हो रहे शादी विवाह के कार्यक्रम के विरोध में पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में नागरिकों ने किया प्रदर्शन। कहा, लाभ कमाने के लिए रामलीला मैदान पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम। रामलीला कमेटी बटघाट के संरक्षक गणेश वर्मा ने कहा, राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है विरोध, प्रशासन से अनुमति के बाद ही हो रहा है कार्यक्रम।